हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि काफ़ी न्यूज़ में था अभी, और ये आपके तमाम सारे कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। तो आप इसको गो थ्रू करिए और इसको समझने की कोशिश करिए। वेरी इजी टॉपिक इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आपके UPSC, SSC, स्टेट PCS एंड अदर एग्जामिनेशन में इसको पूछा जा सकता है। यहाँ तक का इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है छोटे छोटे एग्ज़ाम में। तो आप काइंडली इस टॉपिक को गो थ्रू करिए। अगर इस टॉपिक में कहीं से कोई चीज़ नहीं समझ में आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ईमेल ID पे आप हमें भेज सकते हैं और हम आपको समझाते हुए उसका डिटेल हम आपको शेयर करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। नाउ लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, अभी अभी चाइना ने एक टेलीस्कोप बनाया और वो काफ़ी न्यूज़ में रहा। ठीक, सबसे पहले तो ये फ़ोटो देख लीजिए, क्योंकि ये चीज़ आपके दिमाग में एक पिक्चर बना देगा, एक इमेज क्रिएट कर देगा, और इससे आपको इस टॉपिक को समझने में और इसको याद रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो इसको आप देखिए, ये क्या है, एक टेलीस्कोप है, एक टेलीस्कोप है। यहीं पे इसको हम एक्सप्लेन कर देते हैं कि ये आप देखिए, ये सारा का सारा एंटीना मास्ट है, राइट, ये सब एंटीना मास्ट है, करेक्ट। ये आपका जो है, ये जो है आपका, ये क्या है, ये एक अपर्चर एरिया है। यू समझ लीजिए कि ये एक पैराबोलिक एंटीना है, एक पैराबोलिक एंटीना है जो कि पैराबोला के तरह है, और ये आने वाले सिग्नल्स को क्या करता है, रिसीव करता है। इस सॉसर शेप का है तो सिग्नल्स इस पे जैसे गिरेगा, रेडियो सिग्नल जैसे गिरेगा उसको रिसीव कर लेगा और इसको जो है फर्दर प्रोसेसिंग के लिए भेज देगा, राइट। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अब कि चाइना ऑपरेशनलाइज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टेलीस्कोप। ठीक है, चाइना में आप हमेशा सुनेंगे कि वो हर चीज़ लार्जेस्ट, बिगेस्ट, थिकेस्ट, फास्टेस्ट, इस तरह के बनाने में चाइना माहिर है, और चाइना का तारीफ करने लायक है कि इस तरह के टेक्नोलॉजी में कितना फास्ट आगे बढ़ रहा है, और इंडिया को बहुत चीज़ मतलब हमें वहाँ से सीखना चाहिए और उनके तरह डेडिकेटेड होकर हमें भी काम करना चाहिए। तो देखिए, चाइना ऑपरेशनलाइज द वर्ल्ड लार्जेस्ट टेलीस्कोप फास्ट, इसका नाम क्या है, फास्ट। यहाँ पर आपको इसका फुल फॉर्म बता देते हैं साथ ही साथ। फास्ट का मतलब है 500 मीटर, 500 मीटर अपर्चर स्फेरिकल रेडियो टेलीस्कोप, 500 मीटर अपर्चर स्फेरिकल रेडियो टेलीस्कोप फास्ट, राइट। ये एक टेलीस्कोप है। तो इसको चाइना, जो आप ऊपर इमेज देखें, चाइना कहाँ पे इसको इंस्टॉल किया है, तो ये देखिए गुजियो प्रोविंस है इसका, एक गुजियो प्रोविंस में इसका एक सिटी है, गुयोंग सिटी, वहाँ पे चाइना इसको इंस्टॉल किया है। ठीक, आपको याद रहेगा। अच्छा, फास्ट इज 2.5 टाइम्स एज सेंसिटिव एज द सेकेंड लार्जेस्ट टेलीस्कोप इन द वर्ल्ड, सेकेंड लार्जेस्ट टेलीस्कोप इन द वर्ल्ड। तो अब यहाँ पे देखने लायक है कि कुछ फर्स्ट लार्जेस्ट भी, फर्स्ट लार्जेस्ट यानी कि लार्जेस्ट टेलीस्कोप, लार्जेस्ट टेलीस्कोप, फिर होगा आपका सेकेंड लार्जेस्ट टेलीस्कोप, सेकेंड लार्जेस्ट टेलीस्कोप, और फिर ये थर्ड लार्जेस्ट टेलीस्कोप एंड सो ऑन, इस तरह से होगा। तो चूंकि फर्स्ट लार्जेस्ट टेलीस्कोप चाइना अभी क्रिएट कर दिया, राइट। अच्छा, अभी ये ऑपरेशनल पूरी तरह से नहीं हुआ है, बट यस, ये फर्स्ट है ना, यानी कि लार्जेस्ट टेलीस्कोप है इन द वर्ल्ड। ठीक, अच्छा, इट इज़ कैपेबल ऑफ रिसीविंग अ मैक्सिमम 38 GB ऑफ इंफॉर्मेशन पर सेकेंड, 38 GB ऑफ इंफॉर्मेशन पर सेकेंड, यानी कि 38 GB इंफॉर्मेशन पर सेकेंड, राइट, या यू कह लें GBPS, गीगाबाइट पर सेकेंड, राइट, 38 GB, गीगाबाइट्स आप होपफुली समझते होंगे, बट आपको रिवाइज करा देता हूँ मैं, थाउजेंड बाइट को क्या कहा जाता है, 1 KB, राइट, 1000^2 को कहा जाता है मेगाबाइट, राइट।
और थाउजेंड पे पावर थ्री को कहा जाता है गीगाबाइट, इसको आप याद रखिए। अच्छा, चाइना ऑपरेशनलाइज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टेलीस्कोप, द फास्ट टेलीस्कोप वॉज लॉन्च आफ्टर 3 ईयर्स ऑफ ट्रायल ऑपरेशन। ये बहुत दिनों से बन रहा था। इसका कुछ हम फैक्ट शीट देखते हैं। तो इसका फुल फॉर्म आप जान ही गए हैं, ये हाफ ऑफ अ किलोमीटर दूरी में है और इट इज़ डब्ड एज चाइना स्काई आई। तो ध्यान रखिए, आपको कंपटीशन में पूछा जा सकता है कि चाइना स्काई आई किसे कहते हैं या इनमें से कौन है। तो फास्ट को याद रखिए, या फास्ट को हम चाइना स्काई आई कहते हैं या चाइना स्काई आई को फास्ट कहते हैं, राइट? अच्छा, इट इज़ द डिवाइस इज एक्सपेक्टेड टू मेक मेजर साइंटिफिक डिस्कवरी। अच्छा, ये क्यों बनाया गया? सबसे पहले आप जानते हैं कि टेलीस्कोप क्या है। एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट मतलब जो दूसरे ग्रह हैं या ग्रह लाइक जो भी हैं प्लैनेट्स हैं या एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल जो भी आपके प्लैनेट्स हैं, वहाँ से जो सिग्नल्स आती हैं उसको टेलीस्कोप क्या करता है, डिटेक्ट करता है, रिसीव करता है और उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को एनलार्ज करके दिखाता है, जिससे कि हमें यहाँ पे साइंटिफिक रिसर्च या रिसर्च एंड डेवलपमेंट उस पर करने का अवसर मिलता है, राइट? तो यही टेलीस्कोप का काम होता है। तो यही बनाया गया है। जो अभी तक जो था द ग्रांड टेलीस्कोपियो कैनरीज इन स्पेन, ये जो है लार्जेस्ट टेलीस्कोप इन द वर्ल्ड था, और सेकेंड लार्जेस्ट जो था आपका केक ऑब्जर्वेटरी जो कि क्लोज टू हवाई मौना किया, जो हवाई है उसमें मौना किया कि क्लोज है आपका केक ऑब्जर्वेटरी, वहाँ पे था सेकेंड लार्जेस्ट। ठीक, ओके। तो अभी कौन सा हो गया लार्जेस्ट वन? फास्ट। अच्छा, इट इज़ कैपेबल ऑफ रिसीविंग 38 गीगाबाइट्स, जो कि हम बात कर चुके हैं। द रिसीविंग एरिया ऑफ द टेलीस्कोप इज अराउंड 30 फुटबॉल फील्ड्स। 30 फुटबॉल, एक फुटबॉल का जो एरिया होता है, फील्ड का जो एरिया होता है, अप्रॉक्सीमेट होता है आपका 57,600 स्क्वायर फीट, राइट? इतना एरिया होता है। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 30 से, तो अराउंड जो है 30 या 30 गुना कह लीजिए, इसके अराउंड इसका एरिया होता है, राइट? इसको बनाने में जो कॉस्ट आया है अराउंड 170 मिलियन US डॉलर आया है। अच्छा, ये जो टेलीस्कोप है आप इसको यूँ समझ लीजिए कि इसके एरिया में किस तरह से है। अगर यहाँ पे सपोज दैट कि आपका ये टेलीस्कोप लगा हुआ है, तो यहाँ से 5 किलोमीटर के रेडियस में इसको कहा जाता है कोर जोन। कोर जोन अगर इसको मान लीजिए, अब 5 से लेकर 10 किलोमीटर वाले एरिया को कहा जाता है आपका इंटरमीडिएट जोन, और 10 किलोमीटर से 30 किलोमीटर के एरिया को कहा जाता है पेरिफेरल जोन। 10 से 30 किलोमीटर के एरिया को पेरिफेरल जोन। तो ये हो गया आपका कोर जोन, इंटरमीडिएट जोन एंड पेरिफेरल जोन जो उस टेलीस्कोप के आसपास लगा है। तो ये तो रहा कि हम पूरा का पूरा फैक्ट हम देख लिए क्या है। अब हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा देखते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में काम आएगा। तो देखिए, हमने क्या बात किया, एक बात किया अपर्चर। अपर्चर, ये जब भी आप एंटीना एंटीना की बात आती है तो उसमें अपर्चर का जिक्र आएगा, राइट? तो अपर्चर क्या होता है? अपर्चर एक तरह से इफेक्टिव एरिया होता है। एंटीना का क्या होता है? एक इफेक्टिव एरिया होता है जहाँ पे सिग्नल रिसीव होता है ना, या सिग्नल वहाँ से ट्रांसमिट होता है, राइट? तो एंटीना, अपर्चर किससे रिलेटेड है? एंटीना से। और अपर्चर का सिंपल मीनिंग आप समझिए कि एरिया होता है, राइट? तो ये हो गया अपर्चर। दूसरा एक वर्ड आया इसमें आपका स्फेरिकल। स्फेरिकल, तो स्फेरिकल शेप का भी आपका एंटीना होता है, स्फेरिकल शेप का एंटीना होता है, इसलिए इसको स्फेरिकल कहा गया। तीसरा जो इसमें वर्ड आया आपका रेडियो। रेडियो, रेडियो का मतलब सिंपल हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, राइट? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो रेडियो सिग्नल, जो भी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से जो सिग्नल्स आता है, एक तरह से रेडियो सिग्नल रेडियो फ्रिक्वेंसी ही होता है जो कि स्पीड ऑफ लाइट से, स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करता है, स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करता है, राइट? ये हो गया टेलीस्कोप। मैं आपको बताया है कि बताया कि ये आपका एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को स्टडी करने के काम आता है, राइट? तो
ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है जो कि आपको पता रहना चाहिए और इस साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, प्लस यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए तो ये पूरा कॉन्सेप्ट ही बहुत इम्पॉर्टेंट है। हो सकता है डायरेक्ट फास्ट का क्वेश्चन ना पूछे, बट उसके आसपास के कॉन्सेप्ट पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप गो थ्रू करिए। इसमें से अगर कुछ आपको एक्स्ट्रा समझना है तो काइंडली आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग दिस, हैव अ नाइस डे।